इलेक्ट्रीशियन की दुकानों पर मात्र एक बल्ब जलता है और वह 10 से 5 बजे तक ही खुलती है। उसके बावजूद भी मीटर रीडिंग अपने मनमर्जी से बिना मीटर चेक करे रीडिंग ले जाता है, जिसके कारण वहाँ के उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सारी दुकानों पर ही एक ही एवरेज का बिल दिया जा रहा है। इतना सारा बिल आया है किसे कि पहले 600 रुपये का बिल आता था, ये अभी 1100 रुपये का थमा दिया उन्होंने बगैर कोई रीडिंग के। 100 रीडिंग दी थी जबकि यूनिट आती है हमारी 35-40 के लगभग। ये क्या पहली बार ही हुई है कि कभी और हुई है? नहीं, इस समय तो पहली बार हुआ है। सभी का एक जैसा ही यूनिटों का बिल आया है, सभी दुकानदारों का सेम बिल आए। रीडिंग कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। काम है ही नहीं अपने पास, जो रीडिंग है वही तो लेंगे आप, उससे ज़्यादा कैसे लेंगे आप। बाकी इन्होंने तो पूरा भार हम भी लगे रीडिंग यूज तो हमारी 35 भी नहीं होती। हमें तो एक CFL वगैरह एक आयरन चलता है ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कभी टीवी चेक कराने के लिए ये चलाते हैं। नुकसान तो पहले हमारा 500-600 रुपये का बना था, 1200-1300 रुपये का बना रहा है। फर्क तो पड़ता ही है ना डेली के उसमें खर्चों में। बाकी ये जो इस समय जो मीटर लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर, पहले चक्री वाला जो मीटर आता था वो ज़्यादा बेस्ट था, उसमें रीडिंग सही आती थी। ये मीटर क्या है, फास्ट चलता है। करौली में हिंडौन गेट पे इतनी सारी इलेक्ट्रिशियन की दुकानें हैं, उन पे एवरेज पे बिल दिया जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है आपका? नहीं, ये तो देख के बताएंगे, एवरेज का तो कोई बिल है नहीं सर। अभी तक आपने क्या सोचा है और क्या किया है इसके लिए? इसके लिए कार्रवाई करने के विचार है, ऐसे हिसाब से इसी हिसाब से किसी से मिलेंगे जाकर के बिलों के बारे में। कोई आदमी कम भी लेता है, कभी कोई ज्यादा भी ले लेता है, यूनिटों में डिफरेंस तो आता है। वहाँ पे केवल 100 यूनिट है सारे स्टॉप वालों के, और जबकि उनके यहाँ पे एक CFL चल रही है, उसके पीछे क्या नहीं, है? नहीं, अर्बन एरिया में कोई ये सोचे कि 100 यूनिट है, हम फिजिकली चेक करा लो, कोई लाके बताया। हम चाहते हैं कि मीटर रीडिंग समय समय पर मीटरों की रीडिंग ले, वह सही तरीके से रीडिंग चेक करके आए, जिससे उपभोक्ताओं को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इस चीज़ को लेकर हम पावर हाउस भी गए और पावर हाउस के अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे स्टाफ की कमी है। हम चाहते हैं कि मीटर रीडिंग समय समय पर मीटरों की रीडिंग ले, वह सही तरीके से रीडिंग चेक करके आए, जिससे उपभोक्ताओं को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। जिसमें इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट का नंबर है 1800180650। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।